हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं अभी मैं फिडेटो गाड़ी के ब्रांड के पास पहुंच चुका हूं और ये बेसिकली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका एक इनोवेशन है जो फिडेटो की तरफ से एक फ्यूचर 2020 मॉडल है। और अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी का क्लियर व्यू दे देंगे और बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी को लेने के बाद आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि टॉप स्पीड एज़ पर द नॉर्म्स इसका बनाया गया है। आसपास अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है और कई बार आप जाते जाते रहते हैं आसपास छोटी दूरी पे, तो ये गाड़ी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये 68,500 से स्टार्ट हो जाती है और ऑफकोर्स आप आगे इसमें जितना भी कस्टमाइजेशन करते हैं उस हिसाब से इसका प्राइस वेरी भी करता रहता है, बट एक अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है अगर आप इस प्राइस पॉइंट पे देखेंगे। तो बढ़ते हैं इसके आगे ओवरव्यू के साथ और दिखाते हैं क्या कुछ मिलता है इस पर्टिकुलर आपको फ्यूचर 2020 में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है फिडेटो 21 का लुक फ्रंट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द लोगो ऑफ ओनिकावा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको LED का प्लेसमेंट मिलता है लाइट का। ये इसका हेडलैम्प है और अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सॉकर का प्लेसमेंट है। इस साइड में आप देख सकते हैं दिस इज़ बेसिकली अगेन LED। आपको LED लाइट्स का यहाँ पे क्लियर व्यू मिल रहा होगा और ये बेसिकली प्लास्टिक में LED का प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसका सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप इस छोटे से टायर में इवन डिस्क ब्रेक का प्लेसमेंट रखता है लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टायर है जो ओवरऑल मुझे काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी प्रोफाइल का लग रहा है। आई एम नॉट एबल टू सी एनी ब्रांड ऑफ दिस टायर ओवर हेयर, बट क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये पार्ट प्लास्टिक है, दिस इज़ ऑल्सो मेड ऑफ अ प्लास्टिक, क्योंकि ऑब्वियसली एक बैटरी गाड़ी जितनी हल्की हो उतना ज़्यादा सूटेबल लगता है। इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है और यहाँ पे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है आपको गाड़ी में कुछ सामान रखने का। ये की इंसर्ट का प्लेसमेंट है, यहाँ पे हुक दिया हुआ है जिसे आप कोई भी अपना कैरी कर सकते हैं पार्सल वगैरह। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मिल जाता है आपको एक चार्जिंग पॉइंट जिसमें आप डायरेक्टली अपना एक केबल इंसर्ट करके और अपना मोबाइल का प्लेसमेंट कुछ इस जगह पे कर सकते हैं। ये इसका फुट रेस्ट का प्रॉपर प्लेसमेंट है, यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल बेसिकली चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको खुद को इंसर्ट करना है चार्जर को। आप DC चार्जर यहाँ पे आपको मिलता है। ओवरऑल ये पार्ट भी प्लास्टिक है बट काफ़ी बेहतरीन लुक मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिडेटो की ब्रांडिंग और ये फ्यूचर 2020 का यहाँ पे बैजिंग मिल जाता है। एट दिस साइड यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिकली एक प्लेसमेंट है, यहाँ पे कोई इस तरह का चेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये DC मोटर डायरेक्ट BLDC टेक्नोलॉजी पे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक, पीछे का जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है, आगे का जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मड गार्ड का यहाँ पे प्लेसमेंट है, ये इसका सस्पेंशन शॉकर है। पीछे यहाँ पे नंबर प्लेट का प्लेसमेंट है, बट ऑफकोर्स यहाँ पे आपको किसी नंबर प्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसकी टॉप स्पीड का लिमिटेशन कुछ ऐसा है कि आप इसको विदाउट रजिस्ट्रेशन चला सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ से इसका ये बेसिकली फुटरेस्ट है जो मेटल का बना हुआ है, काफ़ी ड्यूरेबल रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं की का इंसर्ट का प्लेसमेंट है जिसमें आप इंसर्ट करके कुछ लगेज वगैरह रखना है तो आपको यहाँ से इस सीट के नीचे के स्पेस का एक्सेस मिल जाएगा। ये इसका स्टैंड है, आप देख सकते हैं, और ये इसका डबल स्टैंड है जो काफ़ी लंबा है, काफ़ी ईजिली आप इसको स्टैंड यानी पार्क कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बेसिकली इसका MCV का प्लेसमेंट है। अगर आप एक तरह से पार्क करके जाते हैं तो आई रिकमेंड कि कभी भी अगर आप इसको नाइट के लिए कहीं पार्क करते हैं तो इसको ऑफ कर देना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर अच्छा खासा स्पेस है, आप प्रॉपर एक हेलमेट वगैरह रख सकते हैं या आप कोई भी सामान अगर बाहर जाते हैं परचेजिंग के लिए तो ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये पार्ट काफ़ी मजबूत है, ये मेटल का पार्ट है। ऑफकोर्स बाकी जो गाड़ी है वो प्लास्टिक की है, बट जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट मेटल का होना चाहिए वहाँ पे उसका ध्यान रखा गया है। ये है फिडेटो 21 का की। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमोट लॉकिंग का आपको मिलता है सिस्टम। ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्क करता है और यहाँ इस साथ ही साथ में आपको दो की मिलता है और दोनों के साथ आपको मैनुअल की इंसर्ट मिलता है। तो ऑफकोर्स एक बेहतरीन चीज़ है कि आपको एक इस तरह से स्कूटर में भी एक प्रॉपर रिमोट की आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बटन से बेसिकली इसको ऑन ऑफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का सिंबल लगा हुआ है।
यहाँ पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट मिलता है। अभी ऑफ कोर्स ये गाड़ी बिल्कुल नई है तो पैक्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन है जो हाई बीम लो बीम का सेटिंग है आपका लाइट का, वो यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये इसका हॉर्न है, आप देख पा रहे होंगे हॉर्न का स्विच यहाँ पे मिलता है। और ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये इसका एक्सेलरेटर है जिसका ग्रिप काफ़ी बेहतरीन बन जाएगा, आप देख सकते हैं। क्लच थोड़ा सा फ्लैट है बट ऑफ कोर्स एक नया बेहतर बिल्ड बोलूँगा, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका क्लच मिलता है जो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो अगर आप ओवरऑल साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये इसका वाइट कलर वेरियंट है, और इस सेम गाड़ी का आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये ग्रे कलर का वेरियंट है जो यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर पार्क किया गया है। तो कलर इज़ योर चॉइस, बट अगर गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक BLDC मोटर लगता है जो एक वाटरप्रूफ मोटर है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं, और इसके वेट की बात करें तो 180 kg है। लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, 60 वॉट और 20 AH की बैटरी है, 4-5 आवर्स का एक तरह से टाइम तक चल सकती है। 60-80 किलोमीटर्स का इसका अच्छा खासा रेंज मिल जाता है आपको, और डिजिटल LED के आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो स्टाइलिश एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, और हाइड्रोलिक ब्रेक एंड यहाँ पे आप इस्तेमाल किया गया है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे, सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म सब कुछ आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो ऑफकोर्स एक बेहतरीन चीज़ हो जाती है अगर आप देखेंगे ओवरऑल फीचर वाइज, तो एक फ्यूचर रेडी गाड़ी है। और ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर 2020 यानी यहाँ से इसकी स्टार्ट की गई है इस मॉडल की। यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट है, कुछ थोड़ा सा जगह टाइप का बना हुआ है, हो सकता है वहाँ से इसको टाइटनिंग के लिए रखा गया हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कहीं सन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस गाड़ी को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मोवो मोटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लखनऊ के आसपास से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस शोरूम का एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पर आप जा कर के विजिट कर सकते हैं, और अक्रॉस इंडिया जो भी आपके शोरूम्स अवेलेबल हैं आप वहाँ पर भी जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं।